तुम अपनी बेटी को समझे ही कहाँ? सालों से ये लड़की अपने बाप के प्यार के लिए तरस रही थी, लेकिन तुमने एक बार पलट के नहीं देखा, एक बार पूछा तक नहीं। कुछ समझ में आता है तुम्हें? अरे हम भी क्या पागल है जो तुमसे पूछ रहे। तुम कैसे समझ सकते हो? उसके लिए तो एक बाप का दिल चाहिए जो तुम्हारे पास कभी था ही नहीं। तो तुम माँ बेटी ने मुझे यहाँ पे इंसल्ट करने के लिए बुलाया? इंसल्ट हम कर रहे या फिर तुम कर रहे हो ईशा की? कैसे सोच लिया कि उसने तुम्हें पैसों के लिए बुलाया है? How dare you? क्या समझ के रखा वो तुम्हारे जैसी है? अपने बाप के पैसों पे यश करे ऐसी नहीं हमारी ईशा। हमने उसे उसके ननिहाल के संस्कार दिए हैं, उसे अपनी तरह बनाया है, हमारी अम्मा की तरह, पापा की तरह। अगर तुम थोड़ा भी मेरे पापा जैसे। पापा 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 हा? मेरे पापा इतने अच्छे हैं, मेरे पापा आदर्शवादी हैं, मेरे पापा ईमानदार हैं, ये सुनता आया हूँ मैं? तुमने हमेशा अपने पापा से मुझे कंपेयर किया है। तुम चाहती थी मैं तुम्हारे पापा जैसा बन जाऊं ताकि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले और आशीर्वाद दे। और मालूम है तुम्हें, मैं चाहे कितना भी बदल जाता वो मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। यू नो व्हाई? बिकॉज ही हेट्स मी। क्योंकि उनकी दुलारी बेटी ने उनसे पूछे बिना किसी और को चूज कर लिया। गॉट इट? आज तुम्हें एक कड़वा सच बताऊं, तुम्हारे पापा ही एक वजह थे जिनकी वजह से हमारे बीच में सेपरेशन हुआ। तुम्हारे पापा ही तुम्हारे लिए सब कुछ थे। He was a ideal man. And who am I? A nobody? A loser? इन्हीं सब वजह से मैं सोनिया की तरफ अट्रैक्ट हुआ था और इसी वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा। वाह मैंग वाह, अपनी गलतियों पे पर्दा डालना कोई तुमसे सीखे। हमारे पापा ने कहा था तुमसे कि अपनी फैमिली वैल्यूज को भूल के शादीशुदा होते हुए भी अफेयर करो। मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लो। मैंने कम से कम सोनिया के साथ शादी की है और तुम बिना शादी के राज के साथ जो तुम कर रही हो ना, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं पापा, मम्मा को नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म मुझे आनी चाहिए। मैंने हमेशा मम्मा को गलत समझा, हमेशा। मुझे लगा मैं इनकी वजह से हमेशा से आपसे अलग रही हूँ। आज समझ आया मुझे कि छोड़कर तो आप गए थे हमें। You never cared about her. You never cared about me. आप अभी भी अपनी फैमिली, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में नहीं सोच रहे। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? In fact, बात भी ठीक है, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, अपनी मम्मा की बेटी हूँ। Proud daughter. पर पापा, आप मम्मा और राज अंकल पे उंगली उठा रहे हैं ना कि उनके बीच में कुछ चल रहा है। आई डोंट नो, मे बी और मे बी नॉट, लेकिन आज मैं विश करती हूँ कि काश ये सच हो, क्योंकि वो राज अंकल ही थे जो हमेशा मेरे साथ थे। कितना ख्याल रखा उन्होंने मेरा, हमेशा मम्मा के साथ खड़े रहे वो। और अगर ये फ्रेंडशिप है ना, हैट्स ऑफ टू दिस फ्रेंडशिप। और मम्मा अगर कुछ और भी है ना, लेट मी टेल यू, गो अहेड, मैरी हिम। राज अंकल ही है जो मेरे पापा बन सकते, और आप कुछ नहीं है मेरे लिए, कुछ भी नहीं। तुमने ये सिखाया ईशा को हा? अपने बाप से नफरत करना? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दीपा, शेम ऑन यू। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, कब से तुम्हारी बकवास सुन रहे हैं। पहली नजर में ही हमने तुम्हें सही मांगा था, तुम दीपा के लायक कभी थे ही नहीं। कुछ इससे कहो कि चला जाए, चला जाए इससे पहले कि हम अपना आपा खो दें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.